दोस्तों इस बटन को दबाकर वीडियो को लाइक कर दे और ये लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन देखो यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे प्याज लहसुन आलू मटर टमाटर गोभी हरा धनिया डीजल पेट्रोल सोना चांदी के भाव को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अब ये सभी चीज़ें होंगी इतनी सस्ती देखकर दंग रह जाएंगे। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए आपके जिले के अंदर प्याज कितने रुपये किलो बिक रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हमें पता चले कि कितनी महंगाई है आपके जिले के अंदर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रंग के साथ भाव खा रहा प्याज, थोक में गिरे तो रिटेल में मुनाफा वसूली का दौर, मंडी में भी तीन भाव। सिकंदरा मंडी में सब्जी के दाम में बढ़ोतरी का मुख्य कारण मुनाफाखोरी ही माना जा रहा है। मंडी में प्याज के 12 बड़े थोक कारोबारी, 186 थोक कारोबारी और 200 से अधिक फुटकर कारोबारी हैं। मंगलवार को बड़े थोक व्यापारियों के यहाँ प्याज का भाव 40 से 55 रुपये प्रति किलो, थोक व्यापारी के यहाँ 45 से 60 रुपये प्रति किलो और अन्य कारोबारियों के यहाँ 50 से 70 रुपये प्रति किलो रहा। प्याज के थोक कारोबारी सोहन लाल, दीपक, नितिन और दिलीप ने बताया कि मंडी में वर्तमान में दिल्ली की आज़ाद मंडी से तुर्की का प्याज आ रहा है। नासिक व अलवर से भी प्याज आ रही है। सामान्य तौर पर इस मंडी में रोज करीब 1600 क्विंटल प्याज आती है, लेकिन मंगलवार को 400 क्विंटल प्याज आई। ठंड में प्याज की डिमांड अधिक रहती है, आवक कम होने और डिमांड अधिक होने से भी अभी फिलहाल प्याज के दाम नरम नहीं हो रहे हैं। आलू, अदरक, लहसुन, गोभी, लौकी, शिमला मिर्च समेत अन्य सब्जियों का यही हाल है। रिटेल में ऐसे बढ़ती है कीमत, 10 से 40 रुपए का फर्क रहता है थोक और रिटेल के प्याज की कीमतों में। 10 रुपए किलो का अंतर आ जाता है बड़े थोक व्यापारी से ठेले वाले तक प्याज पहुंचने में। 1 से 2 रुपए किलो भाड़ा दूरी के हिसाब से विक्रेता कीमत में जोड़ देते हैं। 5 से 10 रुपए किलो तक मोहल्ले में ठेली वाले अपना मुनाफा जोड़ते हैं। सलाद से गायब हुआ प्याज, प्याज और सब्जियों के भाव इन दिनों आसमान छू रहे हैं। इससे यह आम आदमी की रसोई के साथ साथ अधिकांश होटल, रेस्तरां और ढाबों से गायब है। सलाद में अब प्याज की जगह मूली ने मोर्चा संभाल रखा है। लोगों ने अपने घरों में भी प्याज का प्रयोग सीमित कर दिया है। प्याज के बड़े दाम से केवल गृहिणियों को बल्कि रेहड़ी फटी वालों को भी दुकानदारी प्रभावित होने लगी है। पहले तक हरे प्याज का भाव 20 रुपए प्रति किलो था, जो 40 से 55 रुपए हो चुका है। सब्जियों के भाव में रोज हो रहे उतार चढ़ाव के चलते भी लोग इकट्ठी सब्जी लेने के बजाय रोजाना के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। क्या कहते हैं रेहड़ी फटी वाले, प्याज और सब्जियों के आसमान छू रहे भाव के बारे में रेहड़ी फटी वाले पुनीत और राकेश चौहान परेशान हैं। इन दोनों का कहना है कि मंडी में जिस रेट में सब्जी मिलती है उसमें कुछ मुनाफा लेकर रेहड़ी पर सब्जियां बेचते हैं। उन्होंने कहा कि प्याज बाजार में पिछले सालों की तुलना में कम आ रही है, इसी वजह से दाम बढ़े हैं। ये रहे सब्जी के थोक और रिटेल भाव, आलू 10 12 20 25 रुपये, प्याज 45 66 60 100 रुपये, टमाटर 15 20 30 रुपये, गोभी 20 30 रुपये, बैंगन 20 25 रुपये, भिंडी 30 40 रुपये, कद्दू 15 20 30 रुपये, अरबी 20 40 रुपये, मूली 5 10 रुपये, गाजर 10 15 20 25 रुपये, करेला 30 40 60 रुपये, शिमला मिर्च 30 40 50 रुपये, अदरक 50 70 80 100 रुपये, हरा धनिया 20 30 रुपये, नींबू 50 60 90 रुपये सिकंदरा मंडी के प्रति किलो में है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखे और इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका